सिंह जोवाल एंड वेलकम गाइज जैसे कि आपने थमनेल पढ़ ही लिया होगा इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रिसेंट फा एग्जाम विच इज़ एफ डबल ए उसके जीएस के क्वेश्चन को आई एल बी डिस्कसिंग विद यू इसी के साथ जो क्वेश्चन जो आंसर्स आपको की में दिए हैं उनमें से कितने सही और कितने गलत हैं इन माई ओपिनियन वो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ और इसी के साथ इन्हीं के बेसिस के ऊपर आप अगर कोई भी क्वेश्चन को फाइल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं राइट सो गाइस लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आप एलिमिनेशन मेथड से कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे ठीक है चलो सबसे पहला क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नेचर सर्विस दैट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड देखो डिजिटल हमको पता है इट इज ई राइट सिग्नेचर इट इज हस्ताक्षर ठीक है सो इट इज ई हस्ताक्षर और ई साइन डेस्क और आपको की के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर बी इज गिवेन एज दी आंसर सो बी इज राइट नेक्स्ट आप वॉट ड स्मार्ट गवर्नेंस इन्वॉल्व अब देखो अब आपको नहीं पता बताएगी ये स्मार्ट गवर्नेंस है क्या बेसिकली ये जो स्मार्ट है ना ये जो स्मार्ट गवर्नेंस है ना इट बेसिकली स्टैंड फॉर सिंपल मॉरल अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस राइट अब सोचो कि आपको ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है अब बस क्वेश्चन पढ़ो ऑप्शन पढ़ो मेकिंग गवर्नेस प्रोसेस कॉम्प्लीकेटेड क्या आपको लगता है कि कोई भी अगर स्मार्ट गवर्नेंस आ रहा है तो वो गवर्नेंस को कॉम्प्लिकेट करना चाहेंगे ऑब्वियसली नॉट सी ऑप्शन देखो अवॉइडिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट

अब आ जाओ जी नेक्स्ट द उमंग ऐप अलाउस सिटीजन्स टू एक्सेस वर्चुअल रियालिटी गे गेम्स स्ट्रीमिंग मूवीज गवर्नमेंट सर्विस एंड इन्फॉर्मेशन या ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस तो जो उमंग ऐप आई है दैट इज बेसिकली बाय माइटी व्हिच इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस मिनिस्ट्री के अंडर जो है उमंग ऐप को डेवलप किया गया है एंड इट इज फॉर इजी एक्सेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस एंड योर इंफॉर्मेशन सो इसका आंसर होगा सी और आंसर की में भी इसका आंसर सी ही दिया हुआ है राइट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाईलाइट द की वर्ड अ कम्युनिकेबल डिजीज ट्यूबकलॉसिस तो हमको पता है जी क्लॉसिस जो होता है वो ईजिली आपका वाया एयर से फैल सकता है इन्फ्लुएंसा ऑब्वियसली वाया एयर से फैल सकता है कंटामिनेटेड या फिर यू you नो know, जो जिस बंदे को इन्फ्लुएंजा फ्लू है या कुछ भी है उसका अगर आप कॉन्टैक्ट में आओ तो ऑब्वियसली हो सकता है सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर रिंग वर्म्स ऑब्वियसली अगर आप कंटामिनेटेड सर्फेस को टच करेंगे तो रिंग वर्म भी हो सकता है बट डायबिटीज जो होती है ना इट इज नॉट कम्युनिकेबल हाउ हाउ एवर इट कैन बी जेनेटिक इट कैन बी जेनेटिक बट इट इज नॉट कम्युनिकेबल राइट सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक है जी अब आजो जी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पे ये वाला क्वेश्चन हमने अपने प्रैक्टिस सेट्स पे डिस्कस किया हुआ था ठीक है और सेम क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस की होती मेरे साथ तो आप ये क्वेश्चन आराम से निकाल लेते सबसे पहले तो हमने देखो वाइटमिन सी ओके वो छोड़ो वाइटमिन सी क्या होता है इसकी वजह से क्या स्किन डिजीजेस होती हैं चलो आपको नहीं आता ठीक है वाइटमिन डी रिकेट्स एंड बी इज बेरी बेरी राइट ये दोनों हमने डिस्कस किए थे और अगर आपको ये दोनों भी आते होते ना यू वुड हैव गॉट दी आंसर राइट क्योंकि आप इसमें सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगा लो प्रैक्टिस सेट में अगर आप मेरे साथ होते तो उसमें हमने वाइटमिन बी वाइटामिन बी वन डिस्कस किया था अगर आपको ये पता होता कि सी और डी आंसर है तो आपको पता है कि ऑल ऑफ दी अबव तो आंसर नहीं है तो ऑब्वियसली सी और डी इज गोइंग टू बी दी आंसर हाउ एवर अगर मैं वाइटमिन ए की बात करूँ तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है एनीमिया होता है आपका बी ट्वेल्व की डिफिशेंसी की वजह से राइट सो इसका आंसर आएगा सी ठीक है नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच इज फूड कैंस आर कोटेड विद टिंक इन स्टेड ऑफ जिंक ड्यू टू वॉट देखो जो जिंक होता है ना इट इज हाईली रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव नॉट वेरी हाईली रिएक्टिव बट मोर रिएक्टिव मोर रिएक्टिव वुड बी द राइट वर्ड सो इट इज मोर रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू टिन इसलिए जिंक जो होता है ना वो आपके यू you नो know, uh, uh, क्या कहते हैं उसको नॉर्मल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है राइट right? इसीलिए क्योंकि ये रिएक्टिव ज्यादा होता है और रिएक्टिव ज्यादा होने की वजह से यू नो इट इज डेंजरस इसीलिए जो है टिन uh, को यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ जिंक राइट चलो which of the following constitute food chain this is a question from my environment series इसको हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था मेरी इन्वायरमेंट सीरीज में देखो क्या कहा था मैंने आपको फूड चेन एक होता है आपका ग्रेजिंग फूड चेन एक होता है आपका डेटरीटस फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर तो देखो ये तो आपका गोट आ गया राइट ऑब्वियसली इट इज नॉट अ प्रोड्यूसर तो ये तो पहले ही बाहर हो गया राइट right? अब देखो कैसे होता है प्रोड्यूसर उसके बाद हमेशा हर्बी होता है ठीक है तो अगर आप देखोगे ग्रास वीट ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल ग्रास और फिश ग्रास और फिश का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल सो इट इज ग्रास गोट एंड ह्यूमन ठीक है इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ये आप आराम से कर सकते थे ठीक है सो इसका आंसर आ गया जी बी नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स एंड मेजरिंग यूनिट्स पावर का वॉट तो बिल्कुल सही पावर का वॉट होता है क्या करंट का वोल्ट होता है तो जी नहीं करंट का वोल्ट नहीं होता करंट का एम्पेयर होता है ठीक है क्या फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स होता है बिल्कुल सही क्या रेजिस्टेंस का एम्पेयर होता है बिल्कुल गलत रेजिस्टेंस का होता है ओम बचपन में पढ़ते थे न, ना नाइन्थ में पढ़ा होगा नाइन्थेंथ में पढ़ा होगा अगर आपका साइंस नहीं भी है तो आपने नाइन टेंथ में तो पढ़ाई होगा ठीक है सो अगर आप देखोगे बी और डी कट गया बी कट गया डी कट गया डी कट गया A की ऑप्शन बचा ए एंड सी दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द एलिमिनेशन मेथड ठीक है कोई एक नहीं आता फॉर एग्जाम्पल चलो आप छोड़ो आपको एम्पेयर का भी नहीं पता ठीक है आपको मान लो पता था कि भाई बी नहीं है करंट का वोल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक है बी को हटाओ बी हट गया ठीक है राइट तो इससे आपका एक ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और आपको पता है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसका सी है ठीक है सो मतलब डी भी कट जाएगा और इन दोनों में से ही एक आंसर होगा ठीक है सो ए एंड सी इज द राइट आंसर फाइन। चलो नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर और हमने बताना है कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हमको करके बताने हैं सोडियम का होता है जी एन ए राइट कार्बन का होता है सी ये दो हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं सोडियम क्लोराइड एंड uh, कार्बन डाइऑक्साइड राइट सी ओ टू सो हमको पता right? so, so, है दिस इज कार्बन राइट एंड दिस इज टू डाइऑक्साइड सो दिस इज कार्बन तो हमको पता है सी और एन ए ये है अब देखो ए का एन ए मतलब सोडियम का आ गया जी थ्री कार्बन है आ गया जी फोर थ्री एंड फोर मतलब ए थ्री बी फोर ए थ्री ए थ्री बी फोर गलत ए थ्री गलत ए थ्री ए थ्री बी फोर एक ही ऑप्शन था और इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शन बाहर हो गए एक ही ऑप्शन था जो हमारे पास बचा था अगर आपको इन दोनों का भी लगाने आता तो वेरी सिंपल ठीक है चलो आगे फोर्स दैट एक्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर रेफर टू एज वॉट इंपल्सिव फोर्सेस इंटरवल फोर्सेस शॉर्ट फोर्सेस या इंटरप्टिव फोर्सेस तो देखो जब कभी भी यू नो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए राइट right? और सडन फोर्स एंड सडन फोर्स हो तो उसको बोला जाता है इंपल्सिव फोर्स ठीक है सो इसका आंसर आ गया जी ए नेक्स्ट इज हु फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म स्मॉग तो इनमें से क्या आंसर होगा इट इज हेनरी एंटोनी ठीक है दिस इज अ वेरी डायरेक्ट स्टैटिक का क्वेश्चन सो so, ये आता होगा या तो नहीं आता होगा इसमें कोई एलिमिनेशन तो है ही नहीं है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन अगेन फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट में भी किया है और मैंने अपनी इन्वायरमेंट लेक्चर सीरीज में भी कवर करवाया है देखो लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट हंड्रेड एंड टेन परसेंट राइट अब आपको लगेगा जी हाउ इज़ दैट पॉसिबल हम तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते आ रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेज पढ़ते आ रहे हैं तो दो तो यार भी आपको मैंने बताया था ना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है अर्थ के ऊपर ये तो ग्रीन हाउस की कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है so right. अर्थ वुड right? so right. है इंक्रीज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज ए ने फिनमिना राइट So, क्या ये नेचुरल फिनोमिना है देखो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए आंसर अकॉर्डिंग टू की ठीक है इन माई ओपिनियन इंक्रीज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस क्या एक नेचुरल फिनोमिना है हंड्रेड परसेंट नेचुरल फिनोमिना है क्यों नहीं ये नेचुरल फिनोमिना अगर यहां दिया होता नेचुरल प्रोसेस ओनली तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक भी है और Uh, आपका नेचुरल भी है नेचुरल प्रोसेस भी तो है फॉरेस्ट फायर लगते हैं यार और फॉरेस्ट फायर क्यों होते हैं ज़रूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ ह्यूमन एरर की वजह से हो uh, आपके नेचुरल तरीके से भी फॉरेस्ट फायर हो सकते हैं बिजली गिरी फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट में फायर लगी क्या फॉरेस्ट फायर नहीं हो सकती इसके अलावा अगर आप देखो वॉल कैनोज तो क्या वॉल कैनोज नेचुरल प्रोसेस की वजह से आपका ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन बढ़ रहा है अफकोर्स बढ़ रहा है सो इन माई ओपिनियन द आंसर वुड हैव बीन बोथ वन एंड टू ठीक है सिर्फ ओनली वन होता अगर नेचुरल प्रोसेस ओनली लिखा होता राइट right? सो so, ये एक क्वेश्चन है जिसको आप मेरे इन माई ओपिनियन डेफिनेटली अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी अपनी यू नो फाइल कर सकते हो क्योंकि यहां पे नेचुरल प्रोसेस है सिर्फ नेचुरल प्रोसेस नहीं है तो अगर ओनली होता फिर दिस स्टेटमेंट वुड हैव बीन रॉन्ग लेकिन अगर सिर्फ यही स्टेटमेंट में पढ़ू इतना तो भाई ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ठीक है सो इट शुड हैव बीन ऑप्शन ए सॉरी इट शुड हैव बीन बोथ ऑप्शन ठीक है चलो आगे नेक्स्ट ऑप सो थर्टी नाइन आई वुड से इट इज द फर्स्ट थिंग जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो फाइन चलो आगे नेक्स्ट आप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देयर इज इन्फेनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसल फ्यूल्स देयर इज इनफेनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसल फ्यूल्स इनफिनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसल फ्यूल्स इन साइड हमको पता है जी फ्यूल्स नॉन तो इनफिनाइट कैसे हो सकता है पहला ही गलत स्टेटमेंट नॉट करेक्ट तो मतलब हमको जो गलत है सो क्या ए गलत है बिल्कुल गलत है ए गलत है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है तो बी और सी हटा दो ठीक है अब दूसरा दिस इज फर्स्ट वे आपने एक ऑप्शन बाहर निकाल दिया दूसरा आता है सन कैन बी टेकन एज एन इनएक्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो हमको पता है सन मतलब कि सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी एक रेन्यूएबल सोर्स है तो बी ऑप्शन जी बिल्कुल ही सही हो गया बी ऑप्शन सही का मतलब कि वो नॉट करेक्ट है तो बी ऑप्शन बाहर हो गया ठीक है सो ऑल ऑफ दी तो हो नहीं सकता क्योंकि हमको पता चल गया कि बी वाला जो है वो सही है तो ए की आपके पास ऑप्शन बन गया दैट इज ए एंड सी तो अगर आप ये वाला नहीं भी पढ़ते तो आपको दो ऑप्शन चल जाता कि भैया ए एंड सी ही इज गोइंग टू बी दी आंसर क्यों क्योंकि ए वाला हंड्रेड परसेंट गलत है और बी वाला हंड्रेड परसेंट सही है तो वही करके आपको थ्रू एलिमिनेशन मेथड आपको बचल जाता कि ए एंड सी इज द राइट आंसर तीसरा वाला पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ठीक है चलो आगे फोर्टी वन विच विच हिल्स इन द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड ऑन तो आई गेस इसके ऊपर वी डोंट नीड टू डू मच ऑफ डिस्कशन इट इज त्रिकुटा हिल्स ठीक है आगे बढ़ते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जलियावाला बाग मैसेकर डांडी मार्च आपका लखनऊ पैक्ट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट देखो हम अपने प्रैक्टिस सेट्स में ना लखनऊ पैक्ट को भी डिस्कस कर चुके हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को भी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है एंड ऑफ कोर्स डांडी मार्च को भी डिस्कस कर चुके हैं तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट किए होते इजी हो जाता नहीं किए ड मैटर ठीक है चलो सबसे पहले तो क्रोर मतलब की अर्लिएस्ट से लेकर यू नो लास्ट ठीक है अब देखो सबसे पहले तो क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन तो आपको इतना पता है कि भाई इन सब में से भारत छोड़ो आंदोलन वुड डेफिनेटली बी द लास्ट टू हैपन मतलब लास्ट वाला क्या होगा डी होगा तो सी तो अपने आप ही हट गया ठीक है तो अगर आपको एलिमिनेशन uh, करते तो एटलीस्ट आपका एक ऑप्शन तो इसमें चला जाता अब अगर हम टाइम पीरियड देखें जलियावाला बाग मैसेकर 1919 डांडी मार्च 1913 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लखनाउ पैक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 तो क्या आएगा सबसे पहले हुआ आपका लखनऊ पैक्ट फिर हुआ जलियावाला बाग महासकर फिर हुआ डांडी मार्च और फिर हुआ आपका क्विट इंडिया मूवमेंट तो सी ए बी डी सी ए बी डी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है सो इसका आ गया जी ऑप्शन बी फाइन चलो आगे द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टली हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जब महाराजा गुलाब सिंह के बारे में पढ़ा था तो सॉरी महाराजा हरि सिंह के बारे में पढ़ा था तो उसमें ये चीज़ को डिस्कस किया था इट इज़ प्रजा सभा सो ऑप्शन नंबर वन इज़ राइट ठीक है की में भी सही दिया है चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ जेलम देखो इन माय ओपिनियन दिस वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों क्योंकि बहुत यू you नो know, जैसे uh, रॉमुशी है विशो है बहुतों तो को नहीं पता होता ठीक है सो इसलिए इट वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर ये वाला ऑप्शन बीच में नहीं होता तो वेरी नाग तो सोर्स है ट्रिब्यूटरी थोड़ी है है so सो वेरी नाग ठीक और यही आंसर दिया हुआ है ठीक है वेरी नाग इज द तो सोर्स जहां से आपका झेलम रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है ठीक है चलो एज पर जे एन की रिओर्गेनाइजेशन अगेन हमारे प्रैक्टिस सेट्स में कवर किया है एज पर जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन टू थाउजेंड नाइनटीन यू टी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेटर इज वॉट जम्मू जे एंड के कारगिल लद्दाख तो ऑब्वियसली हमको पता है इसमें टू थाउजेंड नाइनटीन में जम्मू एंड कश्मीर यू टी बनी और लद्दाख यू टी बनी जम्मू एंड कश्मीर के पास लेजिस्लेटर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी लद्दाख के पास तो नहीं है तो आंसर इज डी क्योंकि विदाउट पूछा है हाईलाइट की वर्ड ऑलवेज ठीक है चलो फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड डांस इज परफॉर्म टू ऑनर द गॉड्स लोक देवताज अ थैंक्स गिविंग इसको आप अगर जेके आर्ट फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाओगे ना वहां पे यही सेम लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो ये तो बिल्कुल सही है इट इज ऑन लाइक ईद एंड रमजान गलत है क्यों क्योंकि इसको प्रैक्टिस ये बेसिकली ना एक तरीके का थैंक्स गिविंग होता है थैंक्स गिविंग किसका जिसमें फार्मर्स विलेजर्स जो होते हैं ना वो थैंक करते हैं अपने ग्राम देवता को ग्राम देवता मतलब लोकल डाइटी को थैंक करते हैं कि उनके बच्चे उनकी फैमिली उनके क्रॉप्स दे आर हेल्दी थैंक्स गिविंग है ठीक है सो ऑप्शन नंबर ऑफ सेम इज करेक्ट सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ठीक है चलो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द गेट वे ऑफ कश्मीर अगेन इस क्वेश्चन को तो आप हंड्रेड एंड टेन परसेंट फाइल कर सकते हो देखो गेट वे ऑफ कश्मीर इसका आंसर बनीहाल होता तो मान लेते बारामूला होता मान लेते काजीकुंड होता वो भी मान लेते नन ऑफ दब होता वो भी मान लेते आंसर जम्मू दिए तो दिस कैन नॉट एक्सेप्टेड और मुझे नहीं पता कि क्यों जेके एस एस बी ऐसा करते टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज पहले मुझे मोटिवेटेड लगता था कि यार तुमको मोटिवेट करूँ और अच्छे से करो बट ना ये सब चीज़ें देख के ना आई फील बैड फॉर यू ऑल कि आप लोग इतनी मेहनत करते हो एंड देन इन सब चीजों की वजह से दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग एंड दिस इज दिस इज अ सीरियस थिंग ठीक है सो दिस इज दिस क्वेश्चन इज समथिंग जिसको आप हंड्रेड एंड टेन परसेंट इसको तो आप फाइल कर सकते हो ठीक है चलो आगे विच पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख नथुला पास ऑब्वियसली नॉट सिक्किम में है रोहतांग हिमाचल प्रदेश में शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में जोजिला पास राइट ठीक है चलो फोर्टी नाइन बारे में बात ही क्या करनी क्योंकि ये तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया हुआ है डिस्कार्डेड है ठीक है छोड़ो इसको आगे अरेंज द फॉलोइंग इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अब समझ लो आपको जी कुछ भी नहीं आता कुछ भी नहीं आता ठीक है अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना इतना सबको पता है कि भैया ऊपर हिमाचल है ठीक है इतना सबको पता है ठीक है अब साउथ में हो सकता है किसी को तमिलनाडु और तेलंगाना में कन्फ्यूजन हो जाए ठीक है कोई बात नहीं देखो हमने इतना किया था ना कि सर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ लैंड इंडिया क्या किया था केप कॉमेर कॉमेरन राइट कहां पे? कन्या है कन्याकुमारी तमिलनाडु मतलब ए सबसे ऊपर और डी सबसे नीचे और बीच में दो छोड़ो ठीक है ए सबसे ऊपर डी सबसे नीचे और कोई है और कोई ऑप्शन नहीं है सो ए इज द राइट आंसर ठीक है ओ सॉरी गलती होगी ना देखो ए सबसे ऊपर और बी सबसे नीचे ए सबसे ऊपर डी ए सबसे ए सबसे तो ए सबसे ऊपर और बी सबसे नीचे तो सी आंसर है इसका ठीक है मेरे को लगा ये डी लिखा हुआ है ठीक है सो ए सबसे ऊपर क्योंकि हिमाचल प्रदेश है बीच के दो भूल जाओ इतना पता है कि भैया डी तमिलनाडु में है हमारा सॉरी बी आ गया ना फिर से तमिलनाडु में है जी हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट तो ये आ गया जी बी दैट मीन्स ए एंड बी ठीक है सो आंसर इज सी ऑप्शन ठीक है सो दिस वॉज ऑल्सो बाय एलिमिनेशन मेथड ठीक है चलो जी अब आता है आपका फिफ्टी वन क्वेश्चन कंसिडर नेशनल पार्क्स और इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड अगेन मैंने बार बार बोलती आई हूं कि नेशनल पार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं नहीं आता आपको छोड़ो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है जी असाम में है ठीक है सोचो कि आपको इतना पता है कि भाई काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है ठीक है ए का मतलब हो गया फोर ए का मतलब हो गया फोर ए का मतलब हो गया फोर ए का मतलब सारे ऑप्शन गलत सिर्फ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सो so, अगर आपको सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क पता होता और ये पता होना भी चाहिए अगर आपको ये भी नहीं पता था देन इट इज वेरी सॉरी एंड मतलब आप इल प्रिपेयर्ड थे अपने एग्जाम के लिए क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क हमको पता है वहां पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनोसोरस का ठीक है और इंडिया में है राइट right? सो so, अगर आपको सिर्फ इतना पता होता ए इज फोर तो आप उससे भी आंसर निकाल लेते सो ऑप्शन इज सी ठीक है सो दिस इज सी ऑप्शन चलो नेक्स्ट अप नेक्स्ट अप वी हैव अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर राइट ओके सो गाइस पता है क्या ये क्वेश्चन वाज अ लिटिल डिफिकल्ट आई वुड से क्यों क्योंकि ये ना बहुत ही स्पेसिफिक था तो जिसको आता था तो उसको आता था वरना इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ठीक है देखो इसमें एक तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते थे हमको पता है इन सबसे लेट ये जो है ना कॉप ट्वेंटी एट ये सबसे लेटेस्ट हुई है किसकी यू एन एफ ट्रिपल सी की ये सबसे लेटेस्ट है ये दिसंबर के महीने में हुई है तो अगर क्रोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है तो एंड में तो डी आएगा सो so, एंड में तो डी आएगा एंड में तो डी आएगा मतलब सी और डी तो ऑप्शन पहले ही बाहर हो गए तो अब बाकी का आपको सिर्फ ए और बी में से ही फाइंड आउट करना था बट आई वुड आई विल से इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ठीक है तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है आंसर नंबर ए ठीक जी ट्वेंटी आपके सितंबर के महीने में हुआ है चंद्रयान जुलाई के महीने में हुआ है, ऐसे करते करते, ठीक so चलो, क्रॉप्स आर सोल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर जिसको आता होगा सिर्फ उसको पता होगा बट दिस इज राइट ठीक है जी अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपको जी कुछ भी नहीं आता हमको इतना पता है कि राबी क्रॉप्स आर विंटर क्रॉप्स बस हमको इतना पता है और हमें कुछ नहीं पता भाई और हमको पता ही नहीं है कुछ भी राबी शाबी के बारे में ठीक है अब यार देखो सबसे पहला बात दे रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर क्या विंटर्स में बहुत बारिशें होती है जी नहीं विंटर्स में तो बारिशें होती है दे आर ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस राइट सर्दियों में ज्यादा बारिशें होती है इन कंपैरिजन टू विंटर्स राइट तो रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर तो ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल मतलब बी वाला तो बाहर तो वी वाला तो बाहर हो गया करेक्ट क्या हो गया बी वाला तो बाहर हो गया ठीक है करेक्ट नहीं है वो राइट right? अब देखो राबी क्रॉप नीड वॉर्म वेदर फॉर ग्रोथ ठीक है अब राबी क्रॉप अगर विंटर क्रॉप है तो उसको वॉर्म वेदर क्यों चाहिए होगा ग्रोथ के लिए तो सी ऑप्शन भी बाहर मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्योंकि राबी क्रॉप और विंटर क्रॉप सर्व इतना पता है तो उसको अगर वार्म वेदर चाहिए है ग्रो करने के लिए तो वो विंटर क्रॉप क्यों है फिर वो समर क्रॉप होता फिर वो आपका खारिफ क्रॉप होता है ना सो so, एलिमिनेशन से बी और सी तो अपने आप ही बाहर हो गए ठीक है सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट आप ओके नेक्स्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स वॉट डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ मेल एंड फीमेल डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज नंबर ऑफ बर्थ्स पर थाउजेंड या डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट तो अगर आप इसको सिम्पली अगर आप इसको पुट करोगे ना गूगल पर भी सर्च करोगे तो इसका आंसर जो है दैट इज योर डी ऑप्शन ठीक है डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ठीक है सो so ये बिल्कुल ही आपका एक डायरेक्ट uh, क्वेश्चन है चलो नेक्स्ट अप नेक्स्ट अप वी हैव इन टूरिस्ट प्लेसेस ग्लेशियर इज लोकेटेड इज इट गुलमर्ग इज इट पहलगाम इज इट सोनामर्ग और इट इज इट मनसबल सो क्या है इसका आंसर द आंसर इज पहलगाम क्योंकि हाँ यही आंसर है इसका ठीक है द आंसर इज पहलगाम ठीक है और आपको ऑप्शन में भी यही दिया हुआ है ठीक है नेक्स्ट आप फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन देखो ये इतनी सारी लेख लूक आपको दी आपको कुछ नहीं आता जी आपको डल लेख भी नहीं पता ठीक है लेकिन हमने हमारे प्रैक्टिस सेट में लोकतक लेख के बारे में दो तीन बारी बात की थी राइट और अगर आपने प्रैक्टिस सेट देखे होते तो लोकतक लेख कहाँ पे है जी मणिपुर में बस आपको इतना पता है ठीक है और कुछ नहीं पता डी को लगा दो जी वन पे डी को लगा दो वन पे बस बाकी छोड़ो डी वन डी वन डी वन डी वन, दी वन। आंखें बंद करके डी ऑप्शन इज द राइट आंसर अगर आपको सिर्फ यही पता होता तो और कुछ नहीं पता ठीक है क्योंकि ये हमने प्रैक्टिस सेट्स में किया था राइट सो so, ले को डी लगा दिया वन सो आंसर इज दिस और बाकी तो हमको पता ही है डल लेक है तो सी टू तो ऑब्वियसली लेकिन सी टू से फिर भी दो ऑप्शन फंसते ठीक है लेकिन डी वन से सिर्फ एक ही फंस रहा था वो था आपको ऑप्शन नंबर डी ठीक है चलो आगे फिफ्टी सेवन अजंता केप्स वर्ल्ड टैग्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन नाइनटीन एटी थ्री बिल्कुल सही करंटली दीज केव्स आर टेकन केयर बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिल्कुल सही दीज केव्स आर बिलीव टू बी मेड इन गुप्ता पीरियड एंड वकाटका पीरियड गाइस देखो मेड की बात हो रही है ना तो इट इज गुप्ता पीरियड नॉट वकाटका पीरियड क्योंकि वकाटका पीरियड के टाइम पे ना या फिर आपके बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के टाइम पे ना बुद्धिस्ट मंक्स ने इसको इंस्क्राइब किया है मेड नहीं है ठीक है मेड गुप्ता पीरियड है तो इस हिसाब से सी ऑप्शन विल गो एंड ऑप्शन इज ए एंड बी ठीक है सो इसका आंसर भी जो है वो आपको जो है दिया हुआ है फाइन चलो सो so इसका आंसर इज बी नेक्स्ट इज अगेन डायरेक्टली फ्रॉम द जी एस पोशन एंड वेरी क्लियर क्वेश्चन द आंसर इज दादा भाई नरोजी वी विल नॉट डिस्कस ऑन दिस फिफ्टी नाइन क्वेश्चन अगेन प्रैक्टिस सेट में किया है बाकी छोड़ो सरदार सरोवर और तेहरी किया था कि नहीं किया था सरदार सरोवर गुजरात तहरी उत्तराखंड थ्री वन ए थ्री ए थ्री ए थ्री एक ही है वो है ऑप्शन नंबर सी बाकी सारे एलिमिनेट तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक है अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी के ऊपर इसको तो आप हंड्रेड एंड टेन परसेंट फाइल कर सकते हो क्यों कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल फाउंडर ऑफ डोगरा वी नो इट इज गुलाब सिंह बिल्कुल सही ए आ गया जी फोर ठीक है मियाँ डीडो का भी हमको पता है ही वॉज अ रिबेलियन ग्रुप है तो ठीक है सी का आ गया जी टू तो अगर देखो सी फोर सी टू तो जी डी ऑप्शन आना चाहिए ठीक है डी ही दिया हुआ है ऑप्शन लेकिन मुझे एक बात बताओ ट्रीटी ऑफ लाहौर का महाराजा रंजीत देव के साथ क्या रिलेशन है कोई रिलेशन नहीं है रंजीत सिंह है रंजीत देव तो देव डायना के थे और ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो सिख एम्पायर के साथ हुआ है सो दिस क्वेश्चन चाहे आपका सही हो चाहे गलत हो आई एम श्योर अगर आप ये दो तो ऑप्शन भी देखते तो फिर भी आंसर डी आना था लेकिन ऑप्शंस भी तो सही हो ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है और साथ में दर उल आलम और गुजरात गुजरात का मुझे ऑप्शन का तो कोई तुक समझ ही नहीं आया कि है क्या दिया क्यों है ठीक है सो so, मेरे हिसाब से दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन जिसके ऊपर आप अपना कंसर्न जो है वो शो कर सकते हो और फाइल कर सकते हो सो so, गाइज आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया द जी एस पार्ट आई होप दैट दैट दिस लेक्चर सीरीज वॉत हेल्पफुल टू यू और मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट लेक्चर बनाने का लेक्चर क्या ये डिस्कशन करने का रीज़न सिर्फ एक ही था वो था एलिमिनेशन मेथड को आप कैसे यूज़ कर सकते हो जरूरी नहीं है आपको सारे ऑप्शन आते हो एक ऑप्शन भी आता हो फिर भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो और साथ में कॉमन सेंस क्या कि क्या होता है ना हम बहुत बारी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं कभी कभी क्वेश्चन देख के शायद आंसर ना आए लेकिन ऑप्शन से आप आंसर निकाल सकते हो जैसे हमने उमंग ऐप का किया राइट right, वो हमने देखा था ना उमंग ऐप का किया था स्मार्ट गवर्नेंस का किया वो क्या है हमें क्वेश्चन नहीं आता पर हमें ऑप्शंस तो पता है ना ऑप्शंस देखकर भी आप आंसर्स बहुत बारी निकाल सकते हो ठीक है सो आई होप गाइस दैट दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन हम फिर से हमारे प्रैक्टिस सेट्स लेकर आएंगे हर दिन प्रैक्टिस करेंगे और जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनको क्वालिफाई करेंगे So, thank you and have a nice day. And do not forget to like, share, subscribe. Bye.